स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पेंस पेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? देखो बेटा, यहाँ पे आपको एक घड़ी दिख रही होगी। घड़ी में दो सुइयां दिख रही होगी, ठीक है, एक छोटी है एक बड़ी। लेकिन अगर मैं इसको ज्योमेट्री से रिलेट करूं, किससे? ज्योमेट्री से। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेटा ज्योमेट्रिकल फिगर्स की। तो मैं अगर इसको ज्योमेट्री से रिलेट करूं तो पहली ज्योमेट्री आपको क्या दिख रही है? जैसे कि आप देख रहे हो, पहले दो सुइयां किसी एंगल पर है। क्या है ये? एंगल। एक चीज आई, एंगल। अब फिर से मैंने कह दिया घड़ी दिख रही है, लेकिन यहां पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, सिक्स साइड से ये घड़ी क्या है, बनी है। ये वॉच सिक्स साइड से बनी हुई है। ओके, तो अब ज्योमेट्री में क्या मैं बताना चाहता हूं, तो चलिए आइए, लेट्स बिगिन द क्लास विद द ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ठीक है, सबसे बेसिक से स्टार्ट करता हूं। वो बेसिक से स्टार्ट रहा ये, जैसा कि यहां पे आप देख पा रहे हो, क्या है ये बेटा? अगर इसको देखा जाए तो एक काला रंग का डॉट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? डॉट दिख रहा है। इस डॉट को बेटा हम कहते हैं एक पॉइंट। अ पॉइंट हैज नो डायमेंशन, इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ। तो बेटा पॉइंट, पॉइंट एक जस्ट डॉट है जिसकी ना तो कोई डायरेक्शन होती है, ना तो कोई डायमेंशन होती है, लेंथ भी नहीं होती, ब्रेथ भी नहीं होती, ठीक है ना। चलो अब क्या दिख रहा है बेटा आपको? अब आप कहोगे सर यहां पे अब दो डॉट दिख रहे हैं। बिल्कुल सही, आपका कहना बिल्कुल सही है। एक डॉट का नाम ए, एक डॉट का मी। अगर इसको एक लाइन से हम जोड़ दें तो क्या ये लाइन कहलाएगी? नहीं बेटा, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है इसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्यों? क्योंकि अ लाइन सेगमेंट हैज डेफिनेट लेंथ, इट हैज टू एंड पॉइंट। देखो ना, ये आगे बढ़ सकती है ना ये पीछे बढ़ सकती है, डॉट के बीच में है। तो इसे हम लोग बोलेंगे क्या बेटा? इसे हम लोग बोलेंगे लाइन सेगमेंट। ओके, चलिए आइए अब और आगे बढ़ते हैं। बेटा अब क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है बेटा एक फिक्स्ड पॉइंट सी है। हाथ में मेरे रबड़ है। क्या है? एक रबर। ऐसी रबर है हमारे हाथ में जिसको हम लोग एक तरफ क्या कर सकते हैं? स्ट्रेच कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकल फिगर में ये क्या है बेटा? बात किया जाए ज्योमेट्रिकल फिगर की तो हम इसे कहते हैं रे। अ रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट। देखो सिर्फ एक पॉइंट है। इट कैन बी स्ट्रेच इन द अपोजिट डायरेक्शन इनटू इनफाइनाइटली। बहुत दूर तक खींच सकते हैं बेटा इसको हम लोग, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं सन की, तो याद करो सनरे सनरे सनरे, आपने सुना होगा। अब ये सनरे क्यों? सन से निकली हुई जो बीम ऑफ लाइट है दैट इज कॉल्ड रे। व्हाई? देखो बेटा सन एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया, जैसे कि यहां पे सी है वैसे एक सन एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया। उससे बेटा बीम ऑफ लाइट निकलती है और एक डायरेक्शन में इनफाइनाइटली बढ़ती है। अर्थ पे तो नहीं रुकती ना बेटा, अर्थ के पीछे जाती है, मार्स पे, जुपिटर पे, एकदम चलती चली जाती है बेटा। तो रे एक पॉइंट से निकलती है और दूसरे पॉइंट पर नहीं खत्म होती, वो इनफाइनाइटली चलती जाती है। मतलब एक फिक्स पॉइंट होता है, एक डायरेक्शन क्या होता है? इनफाइनाइटली होता है बेटा। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्या है? एक रबर है जिसको मैं दोनों डायरेक्शन में क्या कर सकता हूं बेटा? स्ट्रेच कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं बेटा? दोनों डायरेक्शन में स्ट्रेच कर सकता हूं। अब इसे क्या कहेंगे? ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज में बेटा, तो ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज की बात करें तो इट हैज नो एंड पॉइंट, ना ही इस पर ना ही इस पर, दोनों डायरेक्शन में स्ट्रेच हो सकता है। इसलिए हम लोग इसे कहते हैं बेटा लाइन। लाइन कैन बी स्ट्रेच ऑन द बोथ साइड बेटा। क्लियर है यहां तक? बहुत अच्छी बात है। तो आपको लाइन क्लियर हो गई, पॉइंट क्लियर हो गया, लाइन सेगमेंट क्लियर हो गया, रे क्लियर हो गया। ओके बेटा, चलिए आइए अब और आगे बढ़ते हैं। और आगे बात किया जाए, अब हम लोग बात करेंगे पॉलीगन्स के बारे में। पॉलीगन्स क्या होता है? जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने एक स्टिक ली, दो स्टिक ली, तीन स्टिक ली, तो ये हमारा बन गया पॉलीगन। इसमें चार स्टिक हो गई, ठीक है। देखो एक बार फिर से देखो आप लोग, जैसे एक स्टिक, दो स्टिक, तीन स्टिक, इन तीनों को मैं मूव कराऊं तो एक फिगर बन गया हमारा। उसी तरह अगर इसको ऐसे मूव कराऊं तो एक और फिगर बन गया। इन्हीं सब फिगर को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीगन कह सकते हैं। ये सब हम लोग स्टिक की मदद से बना सकते हैं, तो ये सभी क्या कहलाएंगे बेटा? पॉलीगन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पॉलीगन। एक से ज्यादा साइड होती है, क्लोज्ड फिगर होता है, दैट इज कॉल्ड द पॉलीगन, ठीक है ना। चलिए आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन की। किसकी? टाइप्स ऑफ पॉलीगन की। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉलीगन दिख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या दिख रहे हैं आपको? पॉलीगन दिख रहे हैं। इनके नाम क्या क्या है आइए देखते हैं।
तो जैसा कि आप देख सकते हो, जो आपका पहला पॉलीगन है वो क्या है? वो है ट्रायंगल। क्या है? ट्रायंगल, क्योंकि इसमें तीन एंगल है। ये हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल, चार साइड है। पेंटागॉन पांच साइड है, हेक्सागॉन छह साइड है, हेप्टागॉन सात साइड है, ऑक्टागॉन आठ साइड है, नोनागॉन नौ साइड है, और डिकागॉन 10 साइड है। बेटा इस तरह से हमारे, ये मैंने 10 ठो कुछ, मतलब ये कुछ मैंने फिगर से आपको पॉलीगन बनाने की कोशिश करी गई है, ठीक है? जो डिपेंड करता है, जिसकी नेमिंग डिपेंड करती है मेनली साइट पर, कितनी नंबर ऑफ साइट यूज हुई है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कुछ पॉलीगन्स के बारे में। मान लिया हमारे पास हैंगर की टूटी हुई साइड है, इस हैंगर को ऐसे अरेंज किया, तो यहां पे आप देख सकते हो अगर इन तीन साइड को जोड़ा जाए तो हमें क्या मिलेगा? एक ट्रायंगल मिलेगा। बात करते हैं ट्रायंगल की। ट्रायंगल इज अ पॉलीगन मेड अप ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट। इट इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगन पॉसिबल। ये सबसे छोटा पॉलीगन है जो पॉसिबल है। ओके, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमारे पास चार स्टिक्स है, इससे मैं एक फ्रेम टाइप का बना सकता हूं। देखो बन गया फ्रेम, फोटो फ्रेम। अगर मैं इसको देखूं तो ये कुछ ऐसा फिगर बना रहा है। इस फिगर का नाम होगा रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हो आप, क्योंकि अक्सर आपने बताया था चार साइड से क्वाड्रिलेटरल बनता है। बहुत अच्छी बात है, चार साइड से क्वाड्रिलेटरल बनता है। लेकिन ये फिगर क्वाड्रिलेटरल तो है ही है, साथ में इसको रेक्टेंगल कहते हैं। रेक्टेंगल इज अ फोर साइडेड पॉलीगॉन। इट इज मोडअप ऑफ फोर लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्यों? क्योंकि इन लाइन के एंड पॉइंट, इसलिए लाइन सेगमेंट कहलाएगा। बेटा ये रेक्टेंगल क्यों? क्योंकि चारों एंगल इसके 90 डिग्री होंगे, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द रेक्टेंगल। चलिए बहुत अच्छी बात है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए तो सीलिंग ऑफ चेपल इन जर्मनी। बेटा ये सीलिंग है जर्मनी में। इस सीलिंग के अगर साइड्स काउंट करो तो कितनी आएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ रही है। इसका नाम इसलिए क्या हो गया? ऑक्टागॉन। एंड ऑक्टागॉन इज 8 साइडेड पॉलीगन। इसे क्या कहेंगे? 8 साइडेड पॉलीगन कहेंगे। उसी तरह बात किया जाए, $5 कॉइन कहां गए बेटा? हांगकांग गए। ओके, तो इसमें साइड्स की बात करिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 साइड है, इसके लिए इसका नाम क्या हो गया? डेकागन। अ पॉलीगन विद 10 साइड इज कॉल्ड द डेकागन। क्या बोलते हैं इसे? डेकागन बोलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एंगल्स की। तो ये अब एंगल्स क्या होते हैं बेटा? इसे भी हम लोग ज्योमेट्री में ही पढ़ते हैं। तो एंगल की बात किया जाए बेटा, दो साइडेड से मिलकर दो साइड के बीच में एंगल फॉर्म होता है। जैसे कि ये एंगल, ये इस तरह से यहां पे एंगल्स बने हुए हैं, ठीक है बेटा? दो साइड से मिलके क्या फॉर्म होता है? दो साइड से मिलकर एंगल फॉर्म होता है, ठीक है? अब बात करते हैं बेटा कि मेजर्स ऑफ एन एंगल इज स्पेसिफाइड इन डिग्री। जो मेजरमेंट है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी, जैसा कि यहां पे आप देख सकते हो। टाइप्स ऑफ एंगल की बात किया जाए तो 1 2 3, तीन टाइप के मैंने एंगल बनाए हैं। अब एक चीज समझो, मैंने कहा था डिग्री में मेजर करते हैं। बेटा राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, कुछ इस शेप का दिखता है, एल शेप का। क्या? 90 डिग्री होता है राइट एंगल। बात करते हैं अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल क्या होता है बेटा? 90 से छोटा होता है। बात करो एल से जो कम दिखे, दैट इज कॉल्ड द अक्यूट एंगल। क्लियर है? उसी तरह बात करता हूं मैं, जो 90 से बड़ा होता है वैसे उसे बोलते हैं ऑप्टूस एंगल। क्या बोलते हैं बेटा उसे? उसे बोलते हैं ऑप्टूस एंगल। तो दे आर थ्री टाइप्स ऑफ एंगल जो यहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला है राइट एंगल, अक्यूट एंगल, ऑप्टूस एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री होता है, अक्यूट 90 से कम होता है, ऑप्टूस बेटा 90 से ज्यादा होता है। क्लियर है? दैट इज टाइप ऑफ एंगल। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जमीन है, ये वॉल है बेटा। एक लेडर को वॉल से टिका के रख दिया गया है, ठीक है? देखो वॉल जमीन के साथ एल बना रही है, मतलब क्या बना रही है? 90 डिग्री राइट एंगल, इसलिए बोलेंगे इसे। आप देख सकते हो लेडर जो है हॉरिजॉन्टल से कौन सा एंगल बना रही है बेटा? सिंपल सी बात है, एल से बड़ा ही दिख रहा है ना, 90 डिग्री से बड़ा ही दिख रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा बेटा? ऑप्टूस एंगल होगा। क्या होगा? ऑप्टूस। अगर लेडर और वॉल के बीच का एंगल देखा जाए तो सिंपल सी बात है 90 से कम बन रहा है। 90 से क्या बन रहा है? कम बन रहा है। तो 90 से जो कम बनता है उसे हम लोग कहते हैं क्या बेटा? अक्यूट एंगल। क्या कहते हैं? अक्यूट एंगल। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो तीन टाइप के एंगल थे, अक्यूट, राइट एंगल, ऑप्टूस, छोटे से बड़े ऑर्डर मैंने बोला है, परफेक्ट। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल की। तो एंगल को मेजर्स कैसे किया जाए?
तो देखो बेटा, एंगल को मेजर डिग्री में किया जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। इसको मेजर करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं दो, एक का नाम क्या है, एक का नाम है डिवाइडर और एक का नाम है प्रोट्रैक्टर। क्या है? प्रोट्रैक्टर, प्रोट्रैक्टर, डिवाइडर, ये दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे हम लोग एंगल को मेजर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, हम लोग बात करेंगे डिवाइडर की। किसकी बात करेंगे? डिवाइडर की। जैसा कि देख सकते हो डिवाइडर से हम ये तीनों एंगल मेजर कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं कैसे। ये एक एल शेप है, पता है 90 डिग्री है, लेकिन डिवाइडर से कैसे मेजर करेंगे? डिवाइडर की हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक साइड को हम लोग रखेंगे एक साइड पर एल के, और एक को एक की तरफ रखेंगे। अब इसको अलग कर लेंगे तो दिख रहा है तुमको ये क्या बन रहा है बेटा, एल बन रहा है। ये हो गया 90 डिग्री, क्योंकि लेड इसको इधर किए होते तो डिवाइडर से हेल्प होता। फिलहाल यहाँ पे तो आपको समझ में आ ही रहा था कि ये राइट एंगल है, क्योंकि 90 डिग्री बना रहा है, एक एल फॉर्म कर रहा है। परफेक्ट है बेटा। चलिए आइए अब देखिए, यहां तक तो क्लियर है राइट एंगल। अब बात करते हैं, मान लीजिए इसको मेजर करना है, तो ये क्या दिख रहा है, वी है क्या, तो कितना एंगल है चेक करेंगे, ये 90 से कम है कि ज्यादा है, आइए चेक करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिवाइडर के एक साइड को यहां रखेंगे और एक को इस साइड की तरफ रखेंगे। जब ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें इसको अब एल की शेप में रख लीजिए, ठीक है ना। तो ये एल से छोटा दिखेगा आपको, क्या दिखेगा, ये एल से छोटा दिखेगा। एल से छोटा है इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब ये है अक्यूट एंगल। क्या है बेटा, ये है अक्यूट एंगल, क्योंकि एल से आपको छोटा दिखेगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमने के दिया है, इस के को थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं, इसकी इस साइड को रब कर देते हैं और इसकी इस साइड को रब कर देते हैं। प्रोटेक्टर को जैसे सब जगह प्लेस किया, वैसे यहां पे भी प्लेस करेंगे, एक साइड एक तरफ, एक साइड एक तरफ। अब आपको दिखेगा ये 90 से ज्यादा मूव हुआ, क्या हुआ, 90 से ज्यादा मूव हुआ, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम ऑप्टियूस रखा गया। क्या रखा गया? ऑप्टियूस रखा गया। इस तरह हमने यहां पर तीनों चीज पढ़ ली, ठीक है ना, किसके थ्रू, प्रोटेक्टर के थ्रू, कि कैसे मेजर करेंगे, ये हमने यहां पे ये तीनों चीज पढ़ ली। कौन सी तीनों चीज, ये वाली एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑप्टिकस एंगल, ठीक है, कैसे प्रोटेक्टर डिवाइडर से मेजर करते हैं ये भी देख लिया। अब बात करते हैं दूसरे इंस्ट्रूमेंट की, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपके लिए प्रोट्रैक्टर। अब ये प्रोट्रैक्टर क्या है बेटा, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें क्या लिखे गए हैं, कुछ नंबर्स लिखे गए हैं, ठीक है, दोनों तरफ से, इधर से भी है उधर से भी है। तो ये जो कुछ नंबर है, ये जो कुछ नंबर है, ये क्या है, ये एक्चुअल में एंगल बताते हैं। क्या बताते हैं? एंगल। हॉरिजॉन्टल लाइन 0 डिग्री पे होती है, प्योर वर्टिकल लाइन किस पे होती है, 90 डिग्री पे होती है, एल फॉर्म करती है, ठीक है बेटा, उसके बीच में ये एंगल डिवाइड है। आइए चलिए प्रोटेक्टर का हम लोग यूज करते हैं। जैसा कि वॉच है, वॉच के ऊपर क्या रखा हुआ है, प्रोटेक्टर रखा हुआ है। अगर मैं बात करूं वॉच के ऊपर क्या रखा हुआ है, प्रोटेक्टर रखा हुआ है। बात करूं इसकी छोटी सुई और बड़ी सुई, क्या है, छोटी सुई 0 पे है, बड़ी सुई किस पे है, 90 डिग्री पे है। तो ये जो सुइयां है घड़ी की, कितना एंगल बना रही है बेटा, 90 डिग्री एंगल बना रही है, कितना, 90 डिग्री। बहुत अच्छी बात है। इसी तरह आगे बढ़ूं, यहां पे छोटी सुई 9 पे है, बड़ी सुई कितना पे, 2 पे। छोटी सुई और बड़ी सुई के, यहां वाली छोटी सुई और बड़ी सुई के बीच का एंगल कितना हो गया, 150 डिग्री हो गया। कैसे, आइए देखते हैं, आइए इसको देखते हैं। छोटी सुई कहां पे, 0 डिग्री पे, कह दो सर 180 पे, नहीं बेटा, छोटी सुई 0 डिग्री पे, आगे वाले नंबर को देखिए, यहां पर बन रहा है 90, 110, 120, 130, 140, यहां पे आया 152, कहां पे बेटा, 150 पे। ये जो एंगल बन रहा है ये क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है 150 डिग्री एंगल। तो इस तरह से आपको इसके भी एंगल समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो आपने डिवाइडर से करना सीखा, आपने प्रोटेक्टर से मेजर करना सीखा। इस एंगल को बोलेंगे हम लोग ऑप्टियूस एंगल। क्या बोलेंगे बेटा? ऑप्टियूस एंगल बोलेंगे। तो बेटा इस चैप्टर पे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा, अ पॉइंट हैज नो डायमेंशन, पॉइंट के पास कोई डायमेंशन नहीं होता है। अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट, दो एंड पॉइंट होते हैं लाइन सेगमेंट के। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट, कोई एंड पॉइंट नहीं होता, दोनों डायरेक्शन में लाइन बढ़ती है। अ रे हैज वन एंड पॉइंट, एग्जाम्पल है मैंने सन का दिया बेटा, एक ही तरफ बढ़ता है। राइट एंगल का मेजर जो होता है वो 90 डिग्री होता है। अक्यूट एंगल लेस देन 90 होता है। और उसके बाद बात करते हैं ऑप्टियूस एंगल की, जिसकी मेजर्स मोर देन 90 डिग्री होती है। एंगल्स आर मेजर विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर एंड प्रोट्रैक्टर। इस तरह से हम दो इंस्ट्रूमेंट का यूज करके एंगल को मेजर कर सकते हैं। तो बेटा आज के लिए यहीं पे, थैंक यू। द पेन से जुड़े रहिए, नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।